जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज हम लोग करेंगे 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न। तो आज आपको 20 प्लस मारने हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होगा, वीडियो को पूरा देखना है, आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द युवा भारतीय स्टेडियम, यानी कि युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ पर है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। बात कर ले स्वाई मानसिंह स्टेडियम की, तो स्वाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो जयपुर में है। यही बात कर लेते हैं कीनन स्टेडियम की, तो कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु आर द फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रोज मिलियन बैथू बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। अगर आपसे सवाल पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स लोकेटेड, यानी कि भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी शिलोंग बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुसेना का पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है, तो उसका पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो इसका सेंट्रल कमांड नागपुर में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोला है मेन्स बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, यानी कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें से कौन है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शनों को पहले पढ़ लीजिए और तब आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी थॉमस कप बताए हैं, उनका राइट है। अगर आपसे पूछ ले डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। बात कर लेते हैं उबेर कप की, तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? महिला बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है। और यही बात कर लेते हैं डुरंड कप की, तो डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच रॉक गिव्स फॉसिल्स, यानी कि किस चट्टान से जीवाश्म मिलते हैं आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी औषधि बताए हैं, उनका एकदम राइट है। औषधि चट्टान का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज शालीमार बाग लोकेटेड, यानी कि शालीमार बाग कहां पर स्थित है आप लोगों को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बात कर लेते हैं इमामबाड़ा की, तो इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। और चार मीनार की बात कर ले, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, इसको भी आपको नोटबुक में उतार लेना है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज शेर शाह रियल नेम, यानी कि शेर शाह का असली नाम क्या था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी शेर खा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपको जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 1931 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। बात कर लेते हैं दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च कब हुआ, तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि हु इज द ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है आपको जल्दी से बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर,
यानी कि गलत युग्म को आपको पहचानना है। इन चारों ऑप्शनों में से एक गलत दिया हुआ है, आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग छांट लेते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि गन्ना की, तो गन्ना यूपी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो राइट है। बात कर लेते हैं नारियल की, तो नारियल तमिलनाडु से है, ये तो दम राइट है। बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में मूंगफली नहीं होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है चाय असम से, तो ये भी राइट है। आप लोगों को बताना है कि बिहार में कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो जल्दी से इसका भी लाइव चैट में इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है मुंबई बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहा जाता है। बात कर लेते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। रही बात कर ले पूर्व का बोस्टन की, तो पूर्व का बोस्टन हम लोग अहमदाबाद को कहते हैं। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को जरूर लाइक करना, बहुत ही मेहनत लगता है तो वीडियो को तो जरूर लाइक करना है आप लोगों को। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बात कर ले सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। बात कर ले सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यही बात कर लेते हैं दादा भाई नेहरू जी की, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेहरू जी को जानते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सुंदरवन फेमस फॉर, यानी कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है टाइगर बताया, यानी कि बाघ, उनका एकदम राइट है। बात कर लेते हैं सुंदरवन की, तो सुंदरवन कहां पर है, तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्क्रिप्ट इज द हिंदी लैंग्वेज रिटेन, यानी कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी माइटोकांड्रिया बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एन एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या है, आपको जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय एचआईवी, यानी कि एचआईवी से कौन सा रोग होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी एड्स बताए हैं, उनका एकदम राइट है। एड्स कैसे चेक होता है, तो एलिसा यंत्र से एड्स को हम लोग चेक करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। बात कर ले विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब की खोज एल्वा एडिसन ने की। यही बात कर ले लिफ्ट की, तो लिफ्ट की खोज ओटिस ने की, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द गैस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश इज द फायर, यानी कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन है, आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं, उनका एकदम राइट है। कोई कोई ऑप्शन नंबर बी जो बताए हैं उनका एकदम गलत है। ये सिर्फ आग लगने में, जो आग मतलब कि आग जलने में सहायक करता है ऑक्सीजन, कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से आप लोग को समझ लेना है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की और 21
नंबर क्वेश्चन पूछा है, स्पाइनस लीव्स आर द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ, यानी कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरन बताए हैं उनका एकदम राइट है। पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच एसिड ऑकर व्हेन मिल्क ब्रेक्स, यानी कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की इकाई क्या है आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वाट बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच एनिमल डज नॉट हैव ब्लड बट स्टिल ब्रेथेस, यानी कि कौन सा जंतु में रक्त नहीं होता है फिर भी वो सांस लेता है आपको जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर एक कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि कैल्सीफ्लोर इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, यानी कि कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है आपको जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी बताया है उनका एकदम राइट है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपके पूरे 25 प्रश्न, अब आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो देखिएगा आपके लिए प्रश्न पूछा गया है, इन विच फील्ड इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, आपका नेक्स्ट वीडियो फौजी सर लेकर आएंगे, तो वीडियो को देखना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।